फ्रेंड्स, वेलकम टू ओबली प्रेप्स। माय नेम इज वैशाली सिंह। आज है 12th अक्टूबर। तो 12th अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे, इस सेशन में इंक्लूडेड होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना होगा। फ्रेंड्स, आपके आंसर नहीं आ रहे तो आप प्लीज आंसर करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सेशन अच्छे से देख रहे हैं और आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना था। आपका लास्ट डे का क्वेश्चन था कि सिंगापुर हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। मतलब अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास में सिंगापुर हैकथॉन का आयोजन किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन से हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव की शुरुआत की गई। इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो मतलब अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल के द्वारा नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव की शुरुआत की गई है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि रमेश पोखरियाल कौन है। तो यह हमारे केंद्रीय मानव संसाधन के मंत्री है, यह आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है एक 100 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें 60 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई है। तो इसकी शुरुआत जो है विद्यार्थियों को उनकी क्षमता का एहसास दिलाना और साथ ही साथ समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 10th अक्टूबर। मतलब 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कहा जाता है कि विश्व में जो है स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 450 मिलियन लोग जो है वैश्विक स्तर से मानसिक विकास से पीड़ित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसका 2019 का थीम क्या रखा गया है। कई बार एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो है थीम 2019 का रखा गया था सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 7 अप्रैल 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 11th अक्टूबर। मतलब 11 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने और साथ ही साथ उनके अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस पूरे विश्व में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थीम के बारे में कि 2019 का इसमें थीम क्या रखा गया था। तो इसका थीम था 2019 का अनस्क्रिप्ट एंड अनसपोर्टेबल, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कि किस राज्य सरकार ने फरिश्ते दिल के नामक योजना की शुरुआत की। इसका आंसर होगा दिल्ली। मतलब अभी हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार ने फरिश्ते दिल के नामक योजना की शुरुआत की है। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि इस योजना के तहत होगा क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि इसकी शुरुआत जो है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों का मुफ्त में इलाज होगा और जो भी खर्चे आएंगे वो दिल्ली की सरकार जो है वहन करेगी, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो योजना है इसका जो है ट्रायल लगभग 1 सालों से चल रहा था, ठीक है, जिसमें अभी लगभग 3000 लोगों की इसके तहत जान बचाई गई, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन बना। इसका आंसर होगा शनि। मतलब अभी हाल ही में शनि ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसमें लगभग कितने उपग्रह है। तो शनि ग्रह में लगभग 82 उपग्रह हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो है, अगर इससे पहले की हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के पास 69 जो है उपग्रह, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो है 20 नए उपग्रह की खोज की गई है जो कि शनि ग्रह के उपग्रह हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ शुरू हुआ।
इसका आंसर होगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मतलब अभी हाल ही में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं किसके तहत होगा क्या। तो गार्बेज कैफे के तहत जो भी गरीब या कूड़ा बीनने वाले होते हैं, यदि वह जो है गार्बेज कैफे में जाके 1 किलो कूड़ा देंगे तो उन्हें मुफ्त में वहाँ खाना दिया जाएगा, और यदि आधा किलो वहाँ पे उन लोग कूड़ा देते हैं तो उनको मुफ्त में यहाँ पे नाश्ता दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। इसका आंसर होगा मिताली राज, मतलब अभी हाल ही में मिताली राज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली जो है भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, याद ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भारतीय हटा भी दे तो ये जो है पूरे विश्व में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल अपने पूरे किए, याद ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे है कि इन्होंने अभी तक 204 जो है वनडे मैच खेले हैं, और ये भारतीय वनडे की कप्तान भी रह चुकी है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला। इसका आंसर होगा सेकंड, मतलब अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में जो है भारत को 5वां स्थान प्राप्त है, याद ध्यान रखिएगा। एक बात और यहाँ पे बता देते हैं कि इसमें जो अभी रैंकिंग जारी की गई है इसमें शीर्ष स्थान पे ऑस्ट्रेलिया को रखा गया और इसमें तीसरे स्थान पे इंग्लैंड को रखा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के फुटबॉलर स्वेन स्टीगर ने संन्यास लेने की घोषणा की। इसका आंसर होगा जर्मनी, मतलब अभी हाल ही में जर्मनी के फुटबॉलर जो है इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है फुटबॉल से, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना होगा। आज का आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के मुख्यालय से प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इसका इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रभात, ऑप्शन सी दिया हुआ है ध्रुव, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।